तुमने क्या करना है आगे जाके? ये भी है। तुम बिजनेस करोगी शादी के बाद किचन में? वो क्या है ना कि हर किसी को बड़े होके ना शादी नहीं करनी। आप अपनी सुनो। मैं एक बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा, सोचो मैं अगला नेमार बन गया। तुम क्या करो बेटा? इंजीनियरिंग स्कोप है तो बस इंजीनियरिंग। मेडिकल फील्ड चूज करनी तो मेडिकल करो, पैसा भी और इज्जत भी। फील्ड जो भी हो भाई, मेहनत सब में, आपके पैशन पे डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट। सब पढ़ना शुरू किया? फिजिक्स? नहीं यार, टाइम ही नहीं मिला। वैसे तो भी आज मुझे भी नहीं मिला। और तू सुनाओ लगा, तुम तो अभी ड्राइंग कर रही हो, तुमने तुम्हारा बीबीए में इंटरेस्ट नहीं था? हाँ, असल बात बताऊँ, मुझे करना तो फिल्म मेकिंग था, बट मामा ने कहा कि फिल्म मेकिंग में लड़कियों का कोई स्कोप ही नहीं है। यस यार, मैं एक बात बताऊँ, करना तो मुझे अब्बा का बिजनेस कंटिन्यू है, लेकिन लड़कियों के लिए तो मेडिकल थी स्वेटर बनने। यस, मेरा तो इंजीनियरिंग में शौक है, और बस इंजीनियरिंग करके पढ़ाई ख़त्म करनी है। फिलहाल तो फिजिक्स से दिमाग खराब हो गया, सो I could tell that they love my style. In the club, we always bring a crowd. Leave your girl, she might be a while. I could see you in the corner staring, motherfucker. You should take a photo. Oh no, I'm about to go, yo. Shorty drop it low to pick it up. She like a yo-yo when I'm getting so आपके मेडल्स किसी काम के नहीं। ये मेडल्स आपकी लो परसेंटेज को कॉम्पनसेट नहीं करते, और स्कॉलरशिप इस परसेंटेज के साथ तो आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा फैशन यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट है। हाँ, हाई फैशन डिजाइनिंग। कौवा चला हंस की चाल। बेटा मैं बहुत परेशान हूँ, तुम्हारे फ्यूचर का सोच सोच के थक गया हूँ मैं। लोग मजाक उड़ाते हैं हमारा, तुम अपने लिए नहीं हमारी इज्जत के लिए ही मात मान लो हमारी। फैशन डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं। मौसम में हमारा मुकाम ही क्या रह जाएगा अगर हमारा बेटा फैशन डिजाइनिंग करेगा? तुम अपनी आवारा गर्दियां जरा कम करो और मेरी सुनो, फैशन डिजाइनिंग का कोई स्कोप नहीं है, तुम सिर्फ इंजीनियरिंग करोगे, ये बात याद रखो। मैं यार नहीं सह सकता यार, बाबा की बना में नहीं सह सकता यार। क्या क्या प्लान्स थे यार मेरे फ्यूचर के बारे में, सब टूट गया यार, सब टूट। मैं यार नहीं सह सकता मैं यार। चलो।
क्या हमारे बाबा अजदाद में सब वकील थे, इंजीनियर थे या सब डॉक्टर थे? क्या हमारे माशरे में किसी आर्टिस्ट, किसी राइटर या किसी एथलीट की ज़रूरत नहीं? हमारे इस वतन को सिर्फ इंजीनियर्स और डॉक्टर्स चाहिए तरक्की के लिए? नहीं ना, लेकिन फिर भी हमने अपने दोस्त को खोया इसी वजह से। सो हमारी नस्ल को इस सो कॉल्ड स्कोप की हद तक महदूद ना करें, क्योंकि इनकी तरक्की सिर्फ चंद ही फील्ड्स में नहीं बल्कि इनके शौक में है। उन्हें मौका दें अपना और अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए। ज़रूरत है तो सिर्फ एक हज़ार सोच की है, इस पर अमल करके तो देखें, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं और तरक्की के ज़राए और भी हैं।